हमारा जो रूम है वो है डीलक्स रूम, जिसकी बहुत ही शानदार बैल्कनी है। सो बैल्कनी अगर आप देख सकते हो, होटल फ्रंट फेसिंग हमको रूम मिला है। अगर आप सुपर डीलक्स लेते हो रूम तो आपको लॉन साइड फेसिंग मिलेगा। तो रूम बैल्कनी तो अच्छी है, बट रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सो बाथटब भी है और रूम भी अच्छा है, मतलब हमको जिस रेट में मिला है सो काफ़ी अच्छा है और क्राउड भी यहाँ का अच्छा है। सो हमें ये जो रूम मिला है, जो डीलक्स रूम है, हमने पर नाइट 7000 पे किए हैं। सो हम रहने वाले हैं 2 दिन, 2 नाइट्स का स्टे है, सो 7000 ईच।
इसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है, लंच सिर्फ हमें बाहर करना है। बात करते हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस की, तो यहाँ पर हमें लगा था कि पूछेंगे कि आपकी दो डोसेज या फिर एक डोसेज हुआ है कि नहीं, बट इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट या ऐसे कुछ पूछा नहीं, बट फॉर सेफ साइड यू कैन कैरी इट, आप कैरी कर सकते हो। सो फूड प्लाजा जो है वहाँ से ये जो होटल है वो 20 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा अंदर भी नहीं है, और जो हमारा लोकेलिटी है वो भी बहुत शांत है। यहाँ पर आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप होटल में ही रह के रिजॉर्ट में ही रह के आराम से चिल कर सकते हो। यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगा आपको, चिल करने के लिए लॉन मिलेगा। सो सिंस हमने ब्रेकफास्ट और डिनर का पैकेज लिया है, तो अभी तो मैं बता नहीं सकती बिकॉज अभी दोपहर है, हम जस्ट आए हैं, तो डिनर का मैं वीडियो और जो हमको ब्रेकफास्ट में जो मिलेगा उसका भी वीडियो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके आपको बता दूँगी। ओवरऑल अच्छा लगा, वाइब अच्छा है होटल का, आगे का पता चलेगा। हाय, सो रात को हम देखेंगे कि हमारा होटल कैसे लग रहा है, सो लेट्स टेक अ व्यू। सो हाय, हम अभी जा रहे हैं डिनर के लिए और डिनर का कुछ इस तरह से दिखता है। सो व्हाट इज दिस वेजिटेबल, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे नॉनवेज का, सो हाँ वेज नॉनवेज दोनों मिलता है यहाँ पर। फिश, चिकन सब कुछ है यहाँ पर, बटर चिकन है ये। ये है ब्रेड पुडिंग, क्या बात है, क्रीम ऑफ ब्रोकली, सूप है, मलाई कोफ्ता है, मटर मसाला है, यहाँ पे आपको वेज मंचूरियन, नूडल्स, चिया राइस, नान मिलेगा आपको यहाँ पर, गाजर का हलवा, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस है, हम प्लेट लेके देखेंगे और देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस, काफ़ी अच्छे डिनर के ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डेजर्ट्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। फिलहाल तो हमको तो बहुत पसंद आया डिनर, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट खाना ख़त्म हो चुका है। सो गाइस, वो था हमारा डीजे और यहाँ पे हमारा पूल और लॉन एरिया है जो मैं पूरा आपको बताती हूँ। सो ये है हमारा डीजे जहाँ पे बड़े बच्चे सब नाच रहे हैं। वहाँ से आप जब सीढ़ियों से उतरोगे तो आपको यहाँ पे पूल मिलेगा, जो एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये है पूल, मॉर्निंग में इसका व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, अभी क्योंकि शाम है तो नहीं दिख रहा है। है पूल और फिर यहाँ से हम आते हैं हमारे लॉन में और मस्त हमारा एक बार टाइप है और ये पूरा लॉन है
तो मैं मॉर्निंग का भी एक व्यू डाल दूंगी कि मॉर्निंग में कैसे लगता है। सो जैसे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो आराम से, और सामने भी एक रिजॉर्ट है। सो यस, काफ़ी वर्थ इट है, ये काफ़ी वर्थ इट है, ये रिजॉर्ट काफ़ी हैपनिंग। सो ये पूरा रिजॉर्ट का ही एरिया है, तो आप भी ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने, फिर हम देखेंगे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, और यहाँ पर कोरल रूम और प्लेइंग एरिया भी है, सो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है स्विमिंग पूल एरिया, पानी भी काफ़ी क्लीन है और काफ़ी विंडी है, काफ़ी हवा आ रही है। ये छोटा तालाब टाइप है और ये है लॉन जो कल रात को हम गए थे, तो मॉर्निंग में भी काफ़ी प्रिटी, और मॉर्निंग में बहुत ही मतलब विंडी और ठंडा होता है। स्टेयर्स है आपका। एक प्ले एरिया है, यहाँ पर दो कैरम और एक टेबल टेनिस का टेबल है, यहाँ पे आप बैठ के खेल सकते हो। अभी कोई खेल नहीं रहा बिकॉज ऑब्वियसली मॉर्निंग है, बट शाम को ये भरा रहता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए गेम जोन है। तो ये था होटल का पूरा रिव्यू, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मतलब होटल तो बहुत ही लाजवाब है, खाना तो इतना बढ़िया था कि मैं क्या ही कहूँ। सो हमने जो पैकेज लिया था उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर जो है बुफे था, बुफे भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था। अदर देन फूड, जो हम यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है जैसे प्ले एरिया हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, फिर लॉन हो गया, मिनी बार हो गया, मतलब आपको होटल के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप होटल में ही आराम से दो दिन तीन दिन जितने भी दिन के लिए आप आओगे आप आराम से रह सकते हो। ये होटल बेस्ट है कपल्स के लिए, कपल्स के लिए तो है ही, बट बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स अगर आप आना चाहते हो, फुल फैमिली के साथ आना चाहते हो, तो ये होटल बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही आलीशान है। और आई थिंक 7000 में इतना सब कुछ मिलना इज़ अ स्टील डील, सो मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया डील है। तो और एक चीज़ है, हाँ, बाथटब। सो जो बाथटब का हमने रूम लिया था, अगर आप थक हार के आ रहे हो बस गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में आप डुबकी लगा के आराम से चिल कर सकते हो, पूरी परेशानियाँ आपकी दूर रहेंगी, तो वो एक चीज़। दूसरी चीज़ कि होटल काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, होटल के रूम्स काफ़ी क्लीन है,
बट इस होटल का एक ही कौन मैं कहूँगी, एक ही कमी कहूँगी कि उनका जो रूम सर्विस है वो काफ़ी स्लो है. मतलब आपको 2-3 बार कॉल करना पड़ता है चीज़ें करवाने के लिए, बट वो हो सकता है इम्प्रूव. अदर दैन दैट काफ़ी अच्छा होटल है और मैं यहाँ पे फिर से आना चाहूँगी. सो मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी कि एक बार अगर आप लोनावला में हैं तो एक बार ये होटल ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए. सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.